और ये वो फेमस गली आप जैसे घटिया ऐसा है। बात ये है दुर्गा जी के आप जैसे घटिया लोग पान वाली शॉप है आगे के स्टेडियम में है। यहाँ वो चाय वाला दूध का जो चाय वाला जो शॉप्स होते हैं वो सब यहाँ ये हो जगह जहाँ बलाराम जहाँ चाय बनाई जाती है विभूति जी को चाय सर्व की जाती है तिवारी जी को सर्व की जाती है। तो ये वो कॉर्नर है जो चाय वाले शॉर्ट्स के लिए फेमस है। यहाँ से सारे चाय वाले शॉर्ट्स होते हैं। तो अभी मैं हूँ भाभी जी घर पर है सेट पर और अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है किचन अंगूरी भाभी की। आइए आपको दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पर शूटिंग की तैयारी चल रही है और शूट की तैयारी चल रही है अभी। और ये वो किचन है जहाँ पर अंगूरी भाभी खाना बनाती हैं और यहाँ से ये है पूरा किचन। ये वो फेमस लड़की है जब हम से विभूति जी आकर रंगोली अच्छी होते हैं अभी मैं हूँ तिवारी जी के घर पर और मुझे देखिए ये उनका सोफा है जहाँ पर तिवारी जी बैठते हैं और अंगूरी जी बैठती हैं और विभूति जी यहाँ पर बैठते हैं। तो अभी पूरा सोफा जो है वो कवर किया हुआ है क्योंकि ताकि गंदा ना हो तो इसलिए ये पूरा कवर्ड है और यही वो सोफा है जहाँ पर मनमोहन तिवारी जी बैठकर आराम से अंगूरी जी से बात करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड, आई जस्ट लव दिस शो और मुझको इस शो को लेकर इतनी एक्साइटमेंट रहती है ना। आई एम सो हैप्पी कि मैं आज सेट पर आई हुई हूँ। तो अभी जिस घर में मैं हूँ तिवारी जी का घर है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ओवरऑल ये कैसा बनाया हुआ है। तो अभी जहाँ पर मैं हूँ ये जहाँ सुबह सुबह पानी पीने के एक्शन। अरे सच्ची में कह रहे हैं बंटा, तुम्हारी आंख बहुत सता रही है हमको। जब रात में सोते हैं खाट पे तो खाट काटने को दौड़ती है, पर पूरे बदन में चुभती है यार बहुत। क्या था पाड़ी जी, यदि कोई लगेगा पूरा एक महीना। चोर? अबे ना, कोई चोर नहीं हो बे। तेरा वो कहाँ गया यदि? बल्कि चोर जो है तुम चीखने के लिए मुंह इधर करना। चीखो जरा सा, चोर पकड़ लेंगे। चोर! अबे मैं चोर नहीं हूं बे। आगे आ जाइए आसिफ भाई, टू शॉट बनाइए। हाँ, और वो छेदी कहाँ है? अबे छेदी कहाँ है? अरे चीजा बदाम गए हैं। आओ यार,
बहुत तुमने आँख में चोली खेल ली ना, अब तुम चलो हमारे साथ हवा लाद, बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारे साथ ससुर मुक्का लाद खेलेंगे। देखे दरोगा जी मेरी पूरी बात सुनिए, रिपोर्ट आ गई चल, अब चल पे इन्होंने जब ये आगे रिपोर्ट किया है तो तुम एकदम से रोको और अपने रिपोर्ट विपोर्ट निकालो, एक चश्मा निकालो और वो लगा के इनको। तो गणेश तू जो है ना, जब पैर आ जाएंगे ना तो पैरों पे चले जाना, ये एक्शन। सच्ची कह रहा है बंटा, तुम्हारी याद बहुत सता रही है हमको, खाट पर जब अकेले सोते हैं तो खाट काटने को दौड़ती है, चुभती है पूरे बदन में। अच्छा भाई थोड़ा सा भागते जाइएगा, मतलब पुलिस पीछे लगी हुई है। छेदी, अरे जीजा बताऊ गए हैं हम उनका साला है। गले जो पक्का रंग निकाल सकता है? नहीं ऐसा केमिकल तो नहीं है, लेकिन एक केमिकल है जिसको अगर रंग में डाल दे तो रंग इतना पक्का हो जाता है कि इसको लाख छोड़ाने की कोशिश करो छूटता ही नहीं। अच्छा ऐसा केमिकल है तुम्हारे पास? हाँ है ना, दो दिन पहले दो आदमी आया था वो लेके गया है। ना आपका जो सुनने सुनाने गुना रहेगा दादा, शाहरुख कांड तो तुम ही ना करो है ना, आपका सुनाना चाह रहे तुम्हें पता है फॉरेंसिक लैब से सारी रिपोर्ट तक आ गई, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, मूवमेंट करना है आपको उसके बाद। नहीं इसी में तो दिखा। अच्छा रेडी रेडी पूरा बोल, पूरा बोल लूं ऐसे पकड़ो ना यार, बड़ा फील अच्छा नहीं होता ऐसे आपको कॉलर के साथ। बात नहीं है, तो है चलो ऐसे पकड़ भैया, जो भी करना कंटिन्यूटी मेंटेन करो आप तुम, ये कोई आप नीचे नीचे से ऊपर लेना तो रोलिंग डिजाइनर रंग रहेगा। मैंने होली पे दावा किया था कि मैं इको फ्रेंडली और स्किन फ्रेंडली रंग बना रहा हूँ फूलों से, उसमें किसी ने साजिश करके कुछ केमिकल मिला दिया तो सबके चेहरे पे रंग लग गए हैं और एवरीबॉडी इज कर्सिंग, सो आई एम ऑन द रन, भाग रहा हूँ लोगों को सीक्रेट शूट करने के लिए। मैं किसी के साथ तो होनी पड़ेगी, आई एम अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड बेसिकली, सारी प्रॉब्लम मुझसे शुरू होती है मुझसे खत्म भी होती है। तो अभी यहाँ पर शूट चल रहा है और हम देख रहे हैं कैसे यहाँ पर शूटिंग होती है और अभी दो मिनट मिले हमें बात करने के लिए, तो अभी फिर से तो अभी मैं इस गली जो ये गली में ये वही गली है जहाँ से हर एक शोर की शुरुआत से होती है, यही पर ही सब चीजें होती हैं, सारी प्रॉब्लम्स भागते भागते इधर से किस तरीके से यहाँ पर शूटिंग होती है। तो चलिए अब मैं आपको शूटिंग बहुत ही जगह करूँ, तो अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है विभूति जी का ग्रुप, आई होप आपको ये गेट याद हो जिसमें थोड़े टाइम ऐसे तंग कर इधर से उधर बाहर जाते रहते हैं, मैं उनकी तरह शॉर्ट से भर के नहीं दिखा सकती, बस थोड़ी सी कोशिश कर सकती हूँ। तो अभी चलिए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ विभूति जी के घर में। एक छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से ये लगे कि ये एक्चुअल हर हेल्थ फोटोग्राफ्स, हर छोटे से छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए पूरी जो भी सजावट होती है घर के लिए, जो भी पूरा सेट तैयार किया जाता है, बहुत मेहनत लगती है शूट में। सभी लोग लगे हुए हैं अपने काम में, देखने में हमको जितना ग्लैमरस लगता है ना उसके पीछे बहुत मेहनत जाती है। अभी चलिए मैं आपको, तो मैं अभी उस सोफे पर बैठी हूँ
जहाँ हमने सोफे पर बैठकर हमेशा विभूति जी को डांट पड़ती रहती है, गालियाँ पड़ती रहती है, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने वो काम नहीं किया, तो क्या कर रहे थे पूरे दिन घर में। तो ये वो सोफा है जहाँ पर अनिता जी और विभूति जी दोनों आपस में बातचीत करते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ये वो याद आपको ये वाला सोफा। मैंने विभूति जी वाली एंट्री भी कर ली है, तो ओवरऑल पूरा सेट है। अभी मैं आपको ऊपर जाकर के दिखाती हूँ जहाँ पर अनिता जी का और विभूति जी का जो कमरा है, वो भी दिखाती हूँ। ये लीजिए, आ गए विभूति जी, अनिता जी की बात कर रही हूँ, ये इनकी बात कर रही हूँ। आराम से यहाँ बैठे तो मजा आ रही है, जो बातचीत हो रही है सामने आने सामने की बातचीत हो रही है, यही बात कर रही है। तो आई कैन बिलीव आई एम हियर, तो ये है बात, मैं आपको पूरा ओवरऑल दिखा रही हूँ यहाँ से। और ये अंदर उनका कमरा है, अभी मैं वहाँ पर भी आपको लेकर चलूँगी। अभी मैं हूँ अनिल और विभूति जी के कमरे में, अभी यहाँ पर लाइटिंग तो है नहीं, तो अभी जितना पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये बेड ठीक है, जो अब आपने अच्छी तरह से देखा हुआ है, आप जो भी जैसे देखोगे ना चीज़ आपको आप अपने आप सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो मैं अभी इनके कमरे में हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप होता है। तो जब ये यहाँ पर सीन शूट किया जाएगा तो यहाँ पर पूरी चदरें वगैरह पिलो सब चीज़ें यहाँ पर सेट कर दी जाएंगी, पूरा कमरा अच्छे से सेट कर दिया जाएगा। जब जब जिस कमरे में जब शूट होता है तभी उस कमरे को तैयार किया जाता है। जैसे जैसे बालकनी में शूट होगा तो बालकनी को पूरी तरीके से सेट कर दिया जाएगा, फिर वहाँ पर शूट शुरू होगा। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ इनके किचन में, विभूति जी के घर में हूँ। और जो किचन है इसमें आपने विभूति जी को ज़्यादातर खाना बनाते हुए देखा है, क्योंकि विभूति जी ही ज़्यादातर खाना बनाते हैं शो में, वो नल्ले हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं बाहर, तो उनको जो घर के सारे काम है झाड़ू पोछा बर्तन सब काम उनसे कराए जाते हैं। तो ये देखिए यही वो किचन है, यहाँ पर विभूति जी खाना बनाते हैं। ये घर से सक्सेना जी ठीक है, उन्हें खाना आकर बहुत छेड़ते हैं कि अच्छा तुम घर का काम कर रहे हो, तुम्हारे साथ कितना बुरा हाल है तुम्हारा, इतनी वाली चीज़ें लाकर बातचीत करेंगे उनसे। तो ये जो पूरी जो किचन का जो सेटअप है, ये विभूति जी किचन का सेटअप, पूरा फ्रिज भी है, पूरा अच्छे से पूरा सेट बनाया हुआ, सारे बर्तन वगैरह सब कुछ है। तो आइए था मेरा भाभी जी घर पर है सेट का एक टूर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मैंने कोशिश की है कि दोनों घर आराम से मैं दिखाऊँ, मैंने दोनों घर आपको दिखाए, विभूति जी का घर दिखाया है, तिवारी जी का घर दिखाया है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दामो। वन टू थ्री सही पकड़े हैं। हमें
यार मुझे लगा तुम फूल तो खिला रहे थे। गया अंदर।